कैच पकड़ो। अरे पापा ने यार, क्या गांडू आदमी है भाई तू, हट बे। अब यार अपनी एक्सपेक्टेशन ना भैया कभी हाई रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई सही में जो नया अपडेट आया है ना भाई, बिल्कुल मतलब कति नो वे होम की तरह हो चुका है। मतलब इतना सस्पेंस, इतना कुछ इस गेम में कि तुम घुस जाओगे तब भी तुम्हें नहीं मिलेगा, और थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिल जाएगा। मतलब सही में गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी यूनिक है, अच्छी है। अच्छी नहीं है, यूनिक है ये मैंने मान लिया। इसमें यूनिक पावर भी थोड़ा सा भर दिया गया है, हरा भरा माहौल। और इसके बाद इसमें भाई साहब जो एशियंट वाला सीन आया था ना, मतलब लड़ाई वड़ाई का हवा वाला सीन, भाई सब कुछ भर दिया गया। रोबोटों से लड़ाई, भाई सब कुछ ए टू जेड भर दिया गया है। लेकिन भाई अच्छा कुछ भी नहीं है। मतलब होने को ये मेरा नजरिया गलत भी हो सकता है, लेकिन बाकी तुम बताओ कॉमेंट सेक्शन में कि तुम्हारा नजरिया कैसा है इस न्यू अपडेट को लेकर। फिलहाल तो यहाँ पे एक अलग सी जगह थी जहाँ पे टाइमर चल रहा था, तो मुझे नहीं पता था क्या, तो हम जो वहाँ पे कूद जाते हैं और ये देखो भाई सामने स्पेस भी टाइप में कुछ दिख रहा है। मतलब कुछ लग रहा था कुछ इंटरेस्टिंग होगा, खतरनाक सा होगा, हम उस पर उड़ के जाएंगे ऐसा कुछ, लाइक मतलब समथिंग। तो भाई हम जो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, खोजते हैं भैया कैसे जाए वहाँ तक। तभी भैया मुझे जो यहाँ पे ये दिख जाता है गेट, मुझे लगा ऐसे लिफ्ट है, इसके अंदर हम बैठ के वापस उड़ के जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अलग ही सीन है। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे मैं सोच रहा होता हूँ स्पेस शिप तक कैसे जाया जाए, क्या हिसाब किताब है भाई साहब। तभी यहाँ पे देखो ये कुछ फ्री फायर के बटों की एंट्री आती है। भाई इनकी मूवमेंट कुछ उसी प्रकार की है, बट जो भी है इनने हमें लूट दे दी। और गाइस यहाँ पे और कुछ नहीं था स्पेशल, तो अब निकल लिए और चले आए इस सेल की तरफ। अब ये सेल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था, बस जब हमने ओपन पे क्लिक करा ना, ये कुछ तो इंटरेस्टिंग लेके आने वाला था। अब यार इनने ये सस्ते अपने एनिमेशन दिखाए और हमें उस स्पेसशिप में लेके आ गए। लेकिन भाई सही में यार इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था, मतलब बोर और हो गए। हमारी गने अच्छी अच्छी थी वो भी ले ली इन लोगों ने, और हमको जो है भिड़वाए जा रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया थी कि यहाँ पे आप जितना लड़ोगे ये सिक्के कलेक्ट करोगे, उन सिक्के के जरिए आप जो है कुछ मतलब बाद में जाके हथियार वत्यार अपने कलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे आपको 3 लाइफ मिलती हैं, अगर आप 3 बार मर गए तो बस आपको नीचे फेंक दिया जाएगा। उससे पहले जितने सिक्के कलेक्ट कर सकते हो कर लो। और गाइस यहाँ पे 2 बार मैं ऑलरेडी मर चुका था, बचा था 1 बार और, तो यहाँ पे आया एक बंदा ब्रश करने के लिए। भाई सैंडविच करके मारा गया मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं गाइस यहाँ पे 3 लाइफ मेरी खत्म हो चुकी थी, तो मुझे जो है बाहर फेंक दिया गया स्पेस से। बट काफ़ी अच्छी लग रही है ये, मतलब ऊपर से देखने में, अंदर जाके कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब खास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है होगा तो पता नहीं भाई, मैंने तो नहीं फील करा उतना। बट यार यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन अच्छा मिला कि यहाँ पे जाके हम जो है गन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मतलब गेम प्ले के लिए खेलेंगे तो भाई इतना टाइम वेस्ट कौन ही करेगा, बिकॉज देखो ना 31 बंदे रह गए। बट हाँ भाई थोड़ा सा मतलब जानकारी के लिए खेल रहे थे कि गेम में क्या कुछ नया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी पहले दिन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो हमको M4 मिल जाती है बैठे बिठाए, तो उसे लेकर हम जो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन भाई साहब अब जो है यहाँ पे हमें सामने की तरफ से काफी सारे फायरिंग साउंड आ रहे थे, तो मैं जो चल पड़ता हूँ सामने की तरफ, सोचा एक आधी किल लपेट लूं। बट यार उनके सिवा भी बंदे थे वहाँ पे और वो मुझे भर देते हैं। बट ये बात नहीं गाइस, हम यहाँ पे किल लेने के इरादे से आए भी नहीं थे, बल्कि हम तो न्यू अपडेट के बारे में देखने आए थे। लेकिन छुपी गाइस यहाँ पे एक चीज और आई है खतरनाक वाली, मतलब बॉटों से लड़ाई वाली हिसाब किताब। अब वो और भी ज्यादा बोरिंग है, मतलब सही में यार मैं बोरिंग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीज़ में फन भी है। बट तुम देखो भाई साहब, भाई अब बॉट ऑल पे गाली तो नहीं दे रहे ना, ये चेक कर लो। हेलो ऑल पे कोई बॉट है क्या? हेलो ऑल पे कोई बॉट है क्या? हेलो भाई हेलो। अब ये असल में मैं दूसरी गेम खेला था बॉटो वाली लॉबी में। पहली गेम तो भाई बहुत बोरिंग थी यार, क्योंकि इजी थी, लेकिन लगा शायद नॉर्मल में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। वैसे यार वो बॉट अगर क्या नाम है थोड़े एडवांस होते ना, अरे आएंगे ना एडवांस। इस बार वो लगाया है नॉर्मल, लगाया नॉर्मल ही थोड़ी लगाया है उनको बंदरा घोषित कर देते हैं। इस बार तुम्हारा मरना निश्चित है। हाँ मुझे लगा नॉर्मल लगाया है, तो मैंने इसमें कुछ खतरनाक वाले बॉट आएंगे, मतलब क्राउचिंग शूट देंगे, जिगल देंगे भैया, स्मोक करेंगे, नेड करेंगे, मतलब स्मोक तो कर रहे थे नेड भी कर रहे थे, लेकिन हाँ उतना कुछ एडवांस तरीके से नहीं। लेकिन भाई उसके बावजूद यहाँ पे हमारा जो एक टीममेट है भाई बॉटों से पिलने वाला है, बल्कि 2 टीममेट पिलने वाले हैं। ये बॉट आ गया गाइस, मारो 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 गाइस।
अबे बॉट ने मार दिया, फिनिश भी कर दिया तेरे को। मेरा लोडिंग स्क्रीन आया एक मिनट के लिए, इससे मैं तो खा गया। बेरा तुम्हें इस बात के लिए ना भाई 26 तोपों की सलामी दी जाएगी। सही यार, कितने गंदे बाने मार रहा है यार, शर्म नहीं आ रही है भाई। स्मोक और कर रहे हैं। अरे सुनो ना, कौन है नंबर 3? एक सेकंड रुक, अगर भी बॉट आए ना, अगर किसी को नॉक कर देते हो तो ना उसे रिवाइव देते हुए रिकॉर्ड देखना जरा, रुक जाना जरा, ठीक है? देखने देना। देखिए ये वाले बंदे को मैं नॉक कर दूँ, फिनिश हो गया। रुको रुको, इसे ऐसे 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 पड़े रहने दो, फिनिश मत करना, फिनिश मत करना। हाँ भाई, हमने काफ़ी देर तक वेट करा कि इस बॉट को कोई रिवाइव देने आए, लेकिन भाई कोई भी नहीं आया। फिलहाल जो भी था यार, गेम बहुत बोरिंग हो चुकी थी। मैं ऑलरेडी एक गेम खेल चुका था पूरी बॉट लॉबी में, तो भाई नहीं था मन खेलने का सही में, तो मैंने एग्जिट कर दी यहाँ पे भैया वेट करते करते। और भाई साहब मैं थक गया था भाई कसम से यार, अब नहीं मेरे से होने वाला था भाई, वापस से जाओ भाई, बहुत बोरिंग है कसम से यार। फिलहाल इस नए अपडेट को रखो साइड में, कसम से हटाओ भाई, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाकी तुम्हें कैसा लगा भाई जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लेकिन हाँ भाई, जो नया सीजन आया है ना भाई, उसके हिसाब से भैया क्या तुम करने वाले हो रैंक पुश भाई, वो भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और किसके साथ करने वाले हो वो भी बताना, और किस में करने वाले हो वो भी बता ही देना। और फिलहाल यार मैं अपना ओपिनियन जरूर बताऊंगा, लेकिन गेम के एंड तक फिलहाल तुम ये देखो मैं जहाँ कूद रहा हूँ बंदे वहीं पर जस्ट कूदे हैं। इस बंदे को मैंने पिस्टल से नॉक दे दिया, और मेरे पास कुछ खास लूट नहीं है, तो मैं चल पड़ता हूँ सीधे सीधे फिनिश करके इसकी लूट करने के लिए। अब लूट तो लिया इस बंदे को, लेकिन ये जो पर्यावरण है, मतलब ये जो मौसम है भाई, बहुत ही गलत है। बिकॉज भाई मेरे साथ तो स्कैम नहीं होने वाला, लेकिन भाई साहब देखते ही देखते मेरे टीममेट के साथ होने वाला है। भाई पता नहीं कौन सी वादियों में लेटा था ये बंदा, लेकिन मेरे टीममेट को पूरा ही फिनिश डाल दिया। फिलहाल बदला लेने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर यही बंदे थे जो मुझे यहाँ पे मिले, और कोई नहीं मिलता। जल्दी से लूटा वूटा और निकल लिया गाड़ी उठाकर फिर से और बंदों की तलाश करने के लिए। अब यार बंदे तो यहाँ पे है, लेकिन इन बंदों का ना भाई गलत सीन है। मतलब सही में ये बंदे इतना गदर कैंप कर रहे हैं ना भाई, पूछो ही मत। फिलहाल तो मुझे एक बंदे के साउंड आए जो कि शायद से ऊपर छत पे जंप कर गया है, तो मैंने सोचा चलो भैया इसे टिप्स एंड ट्रिक से मारा जाए। भैया बहुत टिप्स एंड ट्रिक लगा रहा है ये, तो मैं जो चल पड़ता हूँ बड़ी बिल्डिंग की छत पर। और कहते इसी तरीके से इस बंदे को भर दिया है, लेकिन अगली बिल्डिंग में अभी भी एक डुओ है, तो मैंने सोचा क्यों ना भैया इन्हें जो है टिप्स एंड ट्रिक्स ला के मारा जाए। तो इन बंदों को मारने के लिए मैं बहुत सारे अटेम्प्ट करने वाला हूँ, मतलब इतने की पूछो ही मत। फिलहाल तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के चक्कर में मैं जो जाता हूँ ऊपर की तरफ। सामने देखो बंदा ऑफलाइन हो गया भाई।
भाई फाइली बचो इन बंदों को भर देता हूँ। लेकिन तुम अगर ये फायरिंग साउंड सुन पा रहे हो तो पहाड़ की तरफ भी बंदे आ चुके हैं। इस बंदे को तो पूरा मैंने नॉक एंड फिनिश डाल दिया, लेकिन अब जो इनके बचे कुचे टीममेट है भैया ये बिल्कुल भी पीक वीक नहीं देते हैं। तो मैं जो अपनी गाड़ी को उठाता हूँ वापस से और चल पड़ता हूँ एक खतरनाक वाला रश करने के लिए। भाई बाल बाल बचे, मतलब सही में अगर इसका तीसरा टीममेट और होता तो हमारा सही में काम तमाम था। लेकिन जो ये गाइस यहां पे इन भाई साहब को भर के भैया इनसे हील लपेट के हम फिर से निकल पड़ते हैं वापस और बंदों की तलाश करने के लिए। और यार क्योंकि मैं अकेला बचा था तो भैया मैं डायरेक्ट ही घुस रहा था मतलब हर जगह पे। और फिलहाल यार यहां पे देखो भाई इनका भी कोई टीममेट यहाँ पे आसपास नहीं था, तो फिनिश करके जल्दी से अपनी गड्डी को उठाकर निकल लिया। लेकिन गाइस यहाँ पे गलत सीन होने वाला है अब, वो ये कि मैं ये गड्डी उठाकर थोड़ा सा आगे की तरफ आता हूँ वैसे तभी मुझे सामने जाते बंदे। अब यार अगर वहाँ पे बग्गी से वो बंदा कुचल जाता ना तो भैया ये कर्मकांड होते ही नहीं जो कि अब होने वाले है। भाई बंदे बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं मतलब सही में। फिलहाल तो मैं आउट ऑफ जोन भी आता थोड़ी देर में और यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं मतलब जोन में निकलने के सिवा। और यार यहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था कि मैं गाड़ी अपनी निकाल पाऊँ बिकॉज बंदे जस्ट सामने ही थे बिल्कुल घात ला के बैठे थे। और अगर फाइनली धीरे धीरे जोन भी आती है तो मुझे फाइनली आगे बढ़ना ही पड़ता है। बट यार सही में ना तो ये बंदे स्पॉट हो रहे हैं और ना ही कुछ। फिलहाल तो कैसे यहाँ पे बैठ उठते स्मोक वगैरह ट्राई करे, सोचा क्या पता निकल पाऊँ। बट भाई यस भी अबे सालों जोन में निकल जाते तो मैं भी बच जाता यहाँ पे, लेकिन कोई फायदा नहीं।